जांजगीर चांपा में शासकीय उपभोक्ता भंडार से दिए जा रहे राशन में भी कालाबाजारी हो रही है और जिले में ऐसी कई शिकायतें पाई गई हैं जहां तय कीमत से ज्यादा वसूलने और दुकानों पर वेट लिस्ट नहीं लगाने की बात कहते हुए लोग सामने आए हैं। और ऐसी ही शिकायत लेकर जाजीपुर विधायक केशव चंद्रा भी सक्ती एसडीएम के पास पहुंचे और पीडीएस कोटे के राशन में हो रही कालाबाजारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। शिकायत के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आया और अमले को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीडीएस दुकान पे 17 रुपए 16 रुपए 95 पैसे जो शक्कर है उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं। 36 रुपए के माटी तेल 40 रुपए 45 रुपए किलो में बेच रहे हैं और राशन भी 35 किलो की जगह पे 32 किलो तौल करके दे रहे हैं। ये लगभग पूरे पीडीएस की दुकान की समस्या है। इनके लिए भी एक चिट्ठी लेकर के आया हूं कि कम से कम इस विषम परिस्थिति पे आम लोगों को राहत मिल सके। इसके संबंध में जो यहाँ पे सहायक खाद्य अधिकारी जो हैं, जो खाद्य निरीक्षक हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है उन लोगों के द्वारा प्रिंट करके खुद से ही यहाँ से ही कार्यालय से सभी दुकानों में उपलब्ध कराया गया है रेट लिस्ट जो शासन के द्वारा निर्धारित है। अगर किसी भी दुकानदार के द्वारा उसकी आदेश की अवहेलना की जाती है, लापरवाही बरती जाती है तो उस पर निश्चित रूप से। रवि गोयल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जांजगीर चांपा से। रवि, कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई? जी रश्मि, आपको बताना चाहूंगा, जांजगीर चांपा जिले में जो है पीडीएस जमकर अभी जो है धांधली चल रही है। यहाँ के दुकानदार जो है इतने शातिर तरीके से धांधली करते हैं कि भोले भाले जो हितग्राही उनको पता ही नहीं चलता है। इनके जो अभी धांधली जो सामने आई है, पहला तो इनका जो दुकानों में जो शक्कर आ रही है जिसे 17 रुपए प्रति किलो देना है इसमें 20 रुपए में बेच रहे हैं, 37 रुपए मट्टी जो देना है उसमें 40 में बेच रहे हैं। ये सारी गड़बड़ी जो अभी सामने आई है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा, जो अभी कोरोना संकट काल में राज्य शासन से 2 माह का मुफ्त चावल दिया जाना है उसमें भी ये कांटा मार रहे हैं। किसी को अगर 35 किलो देना है तो उसे 32 किलो दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई दुकानदार जो के चावल के बोरे होते हैं उस बोरे के नाम से 15 से 20 रुपया ले रहे हैं। तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जो राशन दुकान है इसमें अधिकतर दुकानों में रेट लिस्ट नहीं लगाया जाता जिसके कारण जो हितग्राही है उनको रेट का पता नहीं चल पाता और दुकानदार जो है मनमाने तरीके से उनसे पैसे वसूली कर लेते हैं। इन सभी जो ये गड़बड़ी सामने आई है इसमें अगर किसी जिम्मेदार अगर किसी को कहा जाए तो पूरी पूरी जिम्मेदारी इसमें खाद्य विभाग के अधिकारी की है, क्योंकि ये जो धांधली है कई वर्षों से चल रही है। इतने वर्षों से इनको जो ये सब नजर नहीं आया, अचानक से जो है अभी इस संकट की परिस्थिति में जब लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आया जो इस तरीके से इतने वर्षों से ठगे जा रहे थे तब लोगों की शिकायत अधिक तक पहुंची है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आप आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।